बना दे। इसलिए जब मैं तो शिष्य शब्द बोल रहा हूँ तो मेरे जैसा प्रकाशमान तुझे बनना पड़ेगा, और उसके लिए मैं बोलूँ और तू मना कर देगा कि एक क्षण विलंब कर देगा तो तू मेरे से बनी मत, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उनको कहा कि मैं आपके सामने ये सौगंध खाना, वचन देना बहुत तुच्छ चीजें हैं, क्षुद्र चीजें। का तात्पर्य है कि और शिष्य का तात्पर्य है कि अपने जीवन को समर्पित करते हुए स्वत आधा है, अधूरा जीवन है, जिसमें पूर्णता कुछ है भी नहीं, किसी चीज से धन की, यश की, मान की, प्रभुता की, ऐश्वर्य की, विद्या की, साधना की, सिद्धि की, सफलता की पूर्णता नहीं है कहीं पर, इसलिए वो आधा शब्द। और पूरे शब्द का मतलब है कि वह उसको गुरु पूर्ण बना दे और अपने समान बना दे, और ऐसा बना दे कि वह खुद लाखों लोगों को वापस ऐसा ही प्रकाशवान बना दे, उसको स्व कहते हैं। और ता का मतलब ये तब हो पाएगा जब गुरु कहे और शिष्य तुरंत कर ले, एक क्षण भी वो सोचे नहीं। यह सोचना गुरु का काम है, और उसके बावजूद भी उसके चित्त में अहंकार नहीं हो, वह जैसे उसी प्रकार से गुरु के चरणों में लिपटने के लिए चाहे सामने हो चाहे नहीं हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, एक क्षण भी हृदय से गुरु निकले नहीं, हृदय में बिल्कुल एक ही मूर्ति स्थापन हो। मूर्ति स्थापन का मतलब है कि हृदय में बिंब है एक है, सूर्य है तो एक है, चंद्रमा है तो एक है, जिंदगी है तो एक है, धड़कन है तो एक है, प्राण है तो एक है, शिष्य है तो केवल गुरु ही उसके जीवन में हो, ताकि देवी देवता हैं उसमें कोई दूर आए नहीं, मगर वह तब है जब अंदर गुरु हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु विष्णु, महेश्वर कहा गया है। यदि वो है तो सब कुछ है, अगर वही नहीं है तो फिर आपको चाहे कितने ही आपके सामने चित्र रख दे मृत्यु के साथ बात, ये सब बेकार है। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि मैं एक क्षण भी सोते जागते उठते बैठते पानी पीते और कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतेगा कि मेरे मन में आपका नाम, मेरी छवि, आपकी छवि मेरी आंखों से उजब हो। और जो आपने बताया कि आप इस मांग बन सकूं, तो मैं नहीं कह सकता, मगर आपने जब कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है। मैं आपके समान ही बनूंगा ही, और आप कितनी भी कठोर साधना करवा दें और कठोरतम साधना करवाएं, मैं हिलूंगा नहीं। ये विचार और तीसरा आपने कहा कि मेरे ही समान बन करके मेरे हमारे जैसे ही वापिस शिष्य बने, उतने विद्वान, उतने तेजस्वी, शरीर की तरफ दहाड़ थे, उन्हें अपने आप में पूर्णता का परिचय, जहाँ जाए तो पूरे जंगल में एक शेर दिखाई देता है, वैसा ही वशिष्य दिखाई दे, और उसकी ज्ञान की ज्योति को और अपने आप के प्रकाश को जीवन भर कष्ट सहने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा दे। और यही बात मैं इस बीच में एक क्षण के लिए कृष्ण शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ। यदि आप कृष्ण शब्द देखें तो कृष्ण को जीवन में सुख मिला ही नहीं, मैंने भगवान को माना। आप सोचिए कि वह जेल में पैदा हुआ, सबसे पहले तो हम तो घर में पैदा हुआ तो जेल में पैदा हुआ, वह राजा का बेटा था और एक ग्वाले के घर में बड़ा हुआ, नंद के घर में बड़ा हुआ, तो माँ बाप उसको देखा ही नहीं, उसको जिंदगी में पूरी जिंदगी नहीं देखी। मैं दुख की बात कह रहा हूँ उनके जीवन की, हम तो सुख भोग रहे हैं, उन्होंने दुख ही दुख देखा है। उसके बाद में जब 3 महीने का था तो पूछ में उसको मारने की जाई, जहर देने की जाई, मारने की कोशिश की। उसके बाद में उसको काम सौंपा गया, गाय चरने का काम, पढ़ाई काम से बाद में रहा। उसके बाद में वो पढ़ाई की तो ठेठ मथुरा से संदीप नाथ उज्जैन गया। मध्य भारत में उसमें 4-5 शक्तिपीठ थे, 4-5 विद्यापीठ थे, नेत्रपूर्ण पीठ थे, वहाँ पर ये साधना बहुत चुकौती हुई थी, वो वहाँ से देख लेती है। और वहाँ पर भी गुरु ने कहा तुम राजा के बेटे हो मुझे मालूम नहीं है, तुम वसुदेव के बेटे हो मुझे मालूम नहीं, मुझे ये मालूम है कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए आए हो और जो मैं आज्ञा दूंगा तुझे करेगा, और तुम जाओ लकड़ियाँ काट के लाओ और गायें चराओ और गायों को घास डालो और मेरे लिए खाना बनाओ और भिक्षा मांग के लाओ। राजा के बेटे को कहता है तुम भिक्षा मांग के लाओ और रोटी बना के मुझे खिलाओ। तो देखना चाहता था कि इसमें कितना दम था। वहाँ से वापस आया कितने शत्रु पैदा हो गए कि मथुरा के राजगद्दी पर बैठने के लिए उसको हजारों तलवारें बीच में जरासंध और दुर्योधन और दुशासन की तलवार लटक रही थी,
और वह उनसे व्यथित और परेशान हो गया और उसने सोचा कि यहाँ पर मैं ज्यादा समय तक इनसे जूझ नहीं पाऊंगा। तब उन्हें ठेठ द्वारिका में गुजरात में जाकर के अपने राज्य को बसाया, भीलों के बीच में, असभ्यों के बीच में, जंगली व्यक्तियों के बीच में जिनको कोई जानकार नहीं थी उनके बीच में, वहां दुख देखा, वहां दुख। उसके बाद में अभी तक दुख दुख देखा, उसके बाद में महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध हो गया तो उसने कहा कि मैं अगर व्यक्तित्व हूँ और यदि मैं शांतिपुन का शिष्य हूँ तो मैं केवल 5 व्यक्तियों को लेकर के भी इस लाखों लोगों को जीत दूंगा, लाखों लोगों को शाम जीत दूंगा, एक तो 5, एक तो लाखों लोग। उसने कहा तभी तो मैं गुरु का शिष्य कहलाऊंगा, मैं 5 लोगों के साथ मिलूंगा, लाखों लोगों के साथ मिलूंगा। लाखों लोगों के साथ में रह करके भी क्या जीत में, और उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि केवल 5 लोगों को भी मैं विजय सिंह दिला सकता हूं। और उसके बाद में वापस द्वारिका आया तो दूसरा सन दुर्योधन जरा सन तो मर गए थे, मगर उनके ऊपर छोटे मोटे बात थे, उन्होंने बहुत हमला किया द्वारिका पर और जूंझा जी उनको संघर्ष किया और ये देह नष्ट होकर किसी और लोक में चली गई, सिद्धाश्रम चली गई। ये सारा जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत दुखमय ही बीता, मगर उसमें एक बात ध्यान रखी कि न मेरी पत्नी है, न मेरे पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न सखा है, और कोई नहीं है। मुझे अपनी पर्सनलिटी बनानी है, मुझे अपना व्यक्तित्व बनाना है। वह मथुरा आया तो वापस वृंदावन की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, गोकुल की तरफ मुड़ के नहीं देखा, प्यार करता था। उसने कहा मुझे अपनी पर्सनलिटी बनानी है तो फिर मुझे इन मोह से छोड़ना पड़ेगा, मोह और व्यक्तित्व एक साथ नहीं जुड़ सकते। अगर मैं पत्नी की चिंता करूंगा तो मैं अपना पर्सनलिटी खंडित कर दूंगा, अगर पुत्र से मोह करूंगा तो अपनी पत्नी खंडित। उसने कहा मुझे पुत्र की जरूरत ही नहीं है, पत्नी बाद में शादी कर लूंगा, मगर मेरा व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय सूर्य की भांति हो, हजारों साल तक लोग याद रख सके। मैं भी उसी शब्द को याद कर रहा हूँ, आपकी पर्सनलिटी, आपका ज्ञान, आपकी चेतना काम आएगी, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपका सुख, आपके पंखे और आपके कूलर और आपके पलंग काम नहीं आ सकते। इसलिए आप अपनी पर्सनलिटी की तरफ ही ध्यान दीजिए, आप हैं और महान अद्वितीय है, और वो अद्वितीय गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। पंखे, कूलर, पत्नी, बेटों, बेटियों, नोटों, कागजों जिस नहीं बन सकते, आप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जब सचिदानंद जी ने कहा कि तुम अपनी पर्सनलिटी तुम बनाओ कि तुम्हारा नाम पूरे भारत में संसार में नाम हो, और अपनी पर्सनलिटी बनाने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, कर्तव्य पालन है, रोटी खा रही है, घर में बैठी है, बेटे हैं जिन्हें काम कर रहे हैं, मोहग्रस्त नहीं हो जाओगे। तो जीवन का कर्तव्य है, उसने भी रुकने से शादी की पर उसके पीछे कभी पागल नहीं हुआ, उसने भी अपने 16,000 राणियां थी उसकी दीवानगी नहीं आई, वो भी धन दौलत कमा सकता था, बीलों के यहाँ राज्य शुरू किया, मगर उसने एक जीवन ध्यान रखा कि मेरी प्रतिष्ठा ही काम आएगी, मेरी पर्सनलिटी काम आएगी, और उसका कारण है कि आज इतने हजार वर्ष बाद भी हम हजारों मंदिर केवल कृष्ण के बना रहे, उनकी आरती कर रहे, उनकी पूजा कर रहे, इसलिए उसने अपनी पर्सनलिटी बनाई। आपको भी अपनी पर्सनलिटी बनानी है, जो सिद्धार्थ ने मुझे कहा कि तुम्हें पर्सनलिटी बनाने के लिए सबसे मोहग्रस्त रहना नहीं है, मोह दिखेगा, दिन दिखेगा, रात दिखेगी, पत्नी दिखेगी, पुत्र दिखेगा, धन दिखेगा, यश दिखेगा, मान दिखेगा, पर उसे तुम बिल्कुल किनारा खड़े करते हुए केवल एक काम करोगे कि मुझे पर्सनलिटी बनानी है जीवन के अंतिम क्षण तक, कि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। और मैं उसी शब्दों को आज वापस दोहराता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि कृष्ण की तरह, सच्चिदानंद जी की तरह, निखिलेश्वरानंद की तरह तुम्हारी पर्सनलिटी इतनी ऊंची हो कि कोई भी संसार का सूर्य भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सके, तुम्हारे बराबर नहीं। परिवार वालों की प्रतिष्ठा से, तुम्हारे बाप की प्रतिष्ठा से जो अन्न खाता है वो भिखमंगा है, ये उसका बेटा है, उल्टा ये होना चाहिए कि उसका बाप है, तुम्हारे नाम से वो पहचान ना जाए तुम्हारे पिता, इतने ऊंचाई पर तुम खड़े हो। और उसने सच्चिदानंद जी ने किसी बात कही कि ये तब हो सकता है जब तुम मन में गुरु धारण करते हुए प्रत्येक क्षण तुम्हारे हृदय में गुरु के अलावा कोई बिंब नहीं आए, न पत्नी का, न प्रेमिका का, न प्रेमिका, न भाई का, न बेटे का, न पैसे का, न धन का, कोई बिंब दूर से आवे ही नहीं, दूर से बिंब आती पहले स्लेट साफ हो जाएगी, एक ही बिंब रहे कि जहाँ पे आँख बंद करके देखूँ तो गुरु दिखाई दे, इधर देखूँ तो गुरु। अगर पर्सनलिटी बनानी है कृष्ण की तरह तो
और पिता का तात्पर्य है कि गुरु की आज्ञा मानसिक रूप से मिले। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।